हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल एचमेंट इन ऑल में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के सामने में आई हूँ। आप लोगों को पता होगा, मुझे लगता है शायद वो 8 जनवरी था और दिन था गुरुवार, जो कि मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था। और उसी दिन मेरी माँ और मेरे पिताजी यानी कि मैके से वो लोग आने वाले थे, यानी उस दिन आए थे। उसके बाद मैंने सोचा था आप लोगों को अपने ब्लॉग में उन लोगों से भी मिलवाऊंगी, अपने अपने सासू माँ से भी मिलवाऊंगी। जिस तरह के आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरी सासू माँ का बहुत तबीयत ख़राब है। और आप लोगों में से कुछ लोग इतने अच्छे हैं जिनका कि मुझे नाम याद है, सुलोचना, ज्योति, विनोद सिंह और कुमार यादव। इन सब ने मुझे दूसरे तीसरे चैनल पर भी मेरी खैरियत पूछी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को बिल्कुल खुश रखे। मुझे लगा था कि मैं आप लोगों से सबको मिलवाऊँगी, लेकिन थर्सडे को यानी 8 जनवरी को, 7 जनवरी को मेरी मम्मी लोग आई, 8 जनवरी को माँ आई। तो माँ के आते ही और माँ को देखते ही मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और मुझे मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह से भी होता है। मैं बहुत धैर्य से आप लोगों के सामने में आज बोल रही हूँ और ये सब बात बोलने के लिए मेरा लास्ट वीडियो होगा। जिस तरह मैं आप लोगों से मिलते आ रही थी शुरू से, उसी तरह मैं आप लोगों से मिलूँगी। और चूँकि आप लोगों ने पूछा है और मुझे भी लगता है कुछ बताना चाहिए, ताकि एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे से जुड़कर ही लोग जीना सीखते हैं। और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, मैं तो बिल्कुल निराशावादी हो गई हूँ। इतना आशावादी इंसान होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन फिर भी ये जो एक दूसरे से कनेक्शन होता है, इसी के लिए जैसे आप लोगों से मेरा जुड़ाव है, तभी तो मैं इतना हिम्मत करके आप लोगों के सामने में आ जाई हूँ कुछ बोलने के लिए। तो मेरी सासू माँ का बहुत तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने पूछा था कि क्या दिक्कत था। दिक्कत एक साथ उनको बहुत सारा हो गया है और कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए कि डॉक्टर ने कह दिया है कि जब तक ये हैं तब तक ये हैं। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं दुर्गा पूजा में गई थी तो उसका ब्लॉग आप लोगों को दिखाया था। हाँ, मैंने उसमें दिखाया है आपको किस तरह मेरी माँ पूजा कर रही है गाँव में। मैंने सब कुछ दिखाया था, मैं उनके लिए साड़ी वगैरह लेकर गई थी। लेकिन ये मुझे नहीं पता था डियर कि इतना जल्दी भी, मेरी शादी के 8 साल 7 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं। पता नहीं कहीं कहीं, हर जगह तो होता है कि ईश्वर है तभी तो संसार चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर लगता है कि ईश्वर किसी काम के लिए बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। अब मेरे गाँव में ऐसे बूढ़े बूढ़े पड़े हुए हैं जिनको जाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि इनको इतना कष्ट है, इनको जाना चाहिए, वो लोग यूं ही रखे हैं। और जिनको नहीं जाना चाहिए, पता नहीं ईश्वर को इतनी हड़बड़ी क्यों होती है। और बहुत ही धैर्य से मैं बोल रही हूँ डियर, तो अभी तो मेरी माँ मुंबई में है, मुझे भी मुंबई जाना होगा उनकी सेवा के लिए। और अभी फ़िलहाल मेरी ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब मुझे लगता था अब दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मेरी मम्मी भी 15-20 दिन रही, उसके बाद मैं जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, फिर 15 से 20 दिन बाद मेरे हस्बैंड मुंबई से आए पटना, तब फिर मेरी माँ लोग गई, मुझे भी डॉक्टर के यहाँ दिखाना पड़ा। अगर आप लोगों में से कोई पटना से हैं तो आप लोग शांति राय को जानते होंगे, वहाँ मैंने दिखाया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि चिंता के कारण हुआ है, खाना पीना छोड़ने के कारण इनका तबीयत ख़राब हुआ है। बहुत कुछ देखा सुना। अभी मैं कुछ देर पहले अनुराधा पौडवाल जी का वीडियो देख रही थी, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ, वो कैसे जी रही हैं, उनके 35 साल का उनका लड़का इस तरह से हो गया, वो भी एक ही लड़का, वो भी उनकी शादी वगैरह नहीं हुई। तो एक दूसरे को देखकर लोगों को धैर्य मिलता है। इन सब लोगों को देखकर मुझे भी धैर्य अपने अंदर में धैर्य लाना चाहती हूँ। और भगवान, हो सकता है कि हम लोगों को भगवान ने इसीलिए इतना समय दिया कि खुद को समझा सकें। तो तकलीफ़ में तो बहुत हूँ डियर, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हो सकता है आप लोगों से बात करके, आप लोगों से डेली का रूटीन शेयर करके, कुछ ना कुछ बातें करके मैं इस तकलीफ़ को कम कर सकूँ। कुछ बदल तो नहीं सकती हूँ डियर। मेरे हस्बैंड ने उनको इतना बेहतरीन जगह पर पहुँचाया, वहाँ मेरे देवर रहते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है जॉन्डिस वगैरह तो उनको हो ही गया था, गॉल ब्लैडर में पत्थर वगैरह भी है, लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, नहीं बताना चाहती हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अथक प्रयास हम लोग करेंगे, लास्ट तक प्रयास करेंगे ये ठीक हो जाए। बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं, चल फिर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही कंडीशन हो गया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ डियर। तो फिर डॉक्टर ने समझाया कि आप लोगों ने तो उनको बिल्कुल बेहतरीन जगह पर दे दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं।
जो करेगा डॉक्टर करेगा या तो ईश्वर करेगा। अगर उनके पीछे आप भी बीमार हो जाएंगे तो फिर आपके पीछे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने परिवार को देखिए, छोटा बच्चा है उसको देखिए, अगर आप इस तरह हो जाएंगे तो और भी परेशानी है। बिल्कुल, मैं ऐसी मेरी स्थिति थी, सलाइन चढ़ने लायक हो गई थी स्थिति, लेकिन मैंने सलाइन नहीं चढ़वाया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर नहीं ठीक होगी, उठकर नहीं बैठोगी, तुम्हारा भी इलाज शुरू होगा, और हो ही गया था। लेकिन मैं अधिक बीमार पड़ने के पहले ही उठकर बैठ गई, हिम्मत किया। अब तो मैं 3-4 दिन से पार्क भी जाती हूँ, वहाँ भी 10 लोगों से मिलती जुलती हूँ। तो आप लोग, इतना दिन, लगभग 1 महीना से ज़्यादा मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है, 1 महीना से अधिक हो गया, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और भी कुछ नए लोग बढ़े हैं। तो आप लोग जो भी पहली बार मुझे सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत जिंदा दिल और आशावादी इंसान हूँ। आज पहली बार इस तरह निराश होकर बात कर रही हूँ, लेकिन फिर आप लगातार मुझसे मिलते रहिएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं आशावादी ही हूँ। अभी थोड़ा सा मुश्किल में मैं हूँ। तो आपको मैंने पहले बताया था, स्किन पे मेरे यहाँ पर दाग आ गया था, जो कि मैंने घरेलू नुस्खा अपनाया था तो वो छूट भी गया था। लेकिन और ये जो प्रॉब्लम था, जो मैंने डाइटिंग किया था उसके अचानक बाद से मैंने जो ऑयली खाना शुरू किया, ऑयली फूड, तो इसके कारण यहाँ पर स्किन में निकल गया था दाना वगैरह। मैं घरेलू उपचार से इसको छुड़ा रही थी, लेकिन फिर बीच में मैंने जो खाना पीना छोड़ा, तबीयत डाउन हो गई, तो फिर यहाँ पर डार्क हो गया। तो ये देखेंगे, ये मेरे हस्बैंड ने लैक्मे का सारा चीज़ लाया हुआ है। ये बोले कि हो सकता है इसको यूज़ करके देखो, तो ये लैक्मे का फेस वाश है, ये लैक्मे का सीरम है, और ये लैक्मे का डे क्रीम है, और ये नाइट क्रीम है। जो मतलब कि जो स्किन, आप उनको कह सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट ने ऐसा कहा कि चूँकि ये लैक्मे वगैरह का ब्रांड जो है ये पुराना है, अगर आप इसको यूज करती हैं हो सकता है इसका कोई इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ आपको ये दिखना शुरू होगा। तो ये तो है डे क्रीम, इसको सीरम के बाद इसको लगाना है, और ये है नाइट क्रीम, इसको रात में लगाना होता है। मैं भी प्रयास कर 8 दिन से लगा रही हूँ, हालांकि इन सब, ये देखेंगे आप, डे क्रीम है, इन सब की ज़रूरत नहीं थी मुझे, मैंने घरेलू नुस्खे से ही छुड़ा लिया था। लेकिन चूँकि मैं ऐसी हो गई थी चिंता से कि, और पता है अगर आप तकलीफ में रहते हैं, जो औरत होती हैं वो अगर तकलीफ़ में रहती हैं, उनको कुछ कपड़े ला कर दे दीजिए, कुछ कॉस्मेटिक सामान दे दीजिए, तो वो खुश हो जाती हैं। कुछ चूड़ी वगैरह ला के दे दीजिए, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने यही सोचा होगा कि इसको खुश करने के लिए ये सब तरीका है, तो ये वो खुद जाके लाए हैं। तो ये सीरम है लैक्मे का, और ये लैक्मे का फेस वाश है। मैंने इसको 3-4 दिन से लगाना शुरू किया है, 2 दिन तक तो मैंने इसको खोला भी नहीं था, लेकिन ये तो इसका स्लिप है। तो ये इस तरह से लाए हुए हैं, ये टोटल देखेंगे आप, 2100 का टोटल आया हुआ है ये फेस वाश, डे क्रीम, नाइट क्रीम और ये सीरम। तो ये लाएँ, उसके बाद फिर बोले मन लगने के लिए, चूँकि मुझे सिलाई बिनाई आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि वीडियो डालना शुरू करो एजुकेशनल चैनल पर, तो अभी तो उस पर भी लगातार वीडियो आ रहा है। कई लोग मैथ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं, जिनका जो सीटेट का एग्ज़ाम मैथ से देती हैं, साइंस से देती हैं, जो नहीं भी देते हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। मैं सोच रही हूँ संडे उसमें मैथ का क्लास लूँगी, और उसके बाद उनको लगा कि सिलाई उलाई करती है तो मन को बहलाने के लिए ये सूट भी इन्होंने लाया कि चलो अपना ड्रेस बना लो। लेकिन अभी मैंने इसको नहीं बनाया है, लेकिन ये बात सच है कि ये इस तरह का इन्होंने 2 ड्रेस लाया था, एक लेकर गए हैं वापस करने, मैंने दूसरा कलर इनको उनको कहा, वो पसंद नहीं था, बिल्कुल लाइट था, ये उनका ही पसंद है। और फिर उनको लगा क्या कि ये सिलाई बिनाई करती है, तो मन इंगेज रहे, खुद को इंगेज रखे, तो ये ऐसा हुआ, कामयाब हुआ। अभी मैंने सिलाई का नहीं खोला है, लेकिन ये जो ऊन लाए थे तो मैं इसको बीन रही हूँ, हाफ स्वेटर इन्हीं का बना रही हूँ। पहले तो इन्होंने कहा अपना बना लो, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ, मैंने कहा मुझे है, क्योंकि मैं तो इन सबसे निकलना नहीं। अगर किसी भी नकारात्मक चीज़ को आप दिमाग में सेट करिएगा तो समय आपको उसके पीछे पीछे ही लेकर जाना शुरू कर देता है। तो मुझे वही लगता था, कोई मुझे टोके नहीं, मैं बस सोचती रहूं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल धैर्य का परिचय दिया और मुझे इस चिंता से निकाला। सोचिए, जबकि उनकी माँ है, वो खुद रोते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। मैं, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं बनाना है तो मेरा बना दो, मैं अपने लिए लाता हूँ। तो ये इन्होंने इस तरह से, ये ऊन ओसवाल का है, काफ़ी सॉफ्ट ऊन है, अच्छा ऊन है, ये ला के दिए कि मेरा तुम बना दो और जल्दी बना दो, क्योंकि एक कंप्लीट होगा तो दूसरा बनाना है। तो मैं तो समझ ही रही थी, लेकिन मुझे भी अच्छा लगने लगा। फिर मैं इस काम में, ये पीछे का है तो मैं इसमें लग गई, ये देखेंगे। और मैं बिनाई वगैरह भी बिल्कुल सॉलिड करती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
बिल्कुल रेडीमेड की तरह इसका फिटिंग आता है। तो ये पीछे वाला तो कंप्लीट हो गया है, आगे वाला बना रही हूँ मैं। तो बिनाई शुरू किया, थोड़ा सा इसमें मन लग गया, जल्दी जल्दी काम पूरा करके दिमाग में आता था अच्छा चलो बिनना है, चलो बिनना है। पीछे वाला कंप्लीट हुआ, उसके बाद बाबू को कुछ देर पढ़ाने में समय लगाने लगी। अब सूट वगैरह है, कुछ ब्लाउज पीस वगैरह भी है जो कि ठंड के कारण मैंने छोड़ दिया था। आयरन करने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत कुछ है। धीरे धीरे मैं अपने आप को सेट कर रही हूँ। और मंगलवार को सरस्वती पूजा है, और इसके बाद हो सकता है कि मुंबई भी जाना पड़े। अगर वहाँ भी गई तो वहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट करती रहूँगी। पता नहीं भगवान हम लोगों को ये तकलीफ़ अचानक क्यों दे दी है, और पता नहीं और क्या क्या देखना है। ये समय का पहिया है, चलते ही रहता है, इंसान को धैर्य बनाना चाहिए। तो आप लोगों को भी अगर कोई इस तरह की तकलीफ़ है तो उससे निकलना बेहतर होता है, अपने आप को संभालना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे, अगर तुम इस तरह करोगी, बड़ी बहू तुम ही हो, तुम ही इस तरह करोगी, तब बताओ मैं क्या करूँगा। मैं मम्मी को देखूँगा, घर वालों को देखूँगा, मैं भी बड़ा बेटा हूँ, मैं बाबू को देखूँगा, तुमको देखूँगा, क्या करूँगा। इसीलिए तुम पत्नी नहीं, तुम साथी बनकर मेरा साथ दो, मुझे तुम धाड़क दो, तुम मुझे संतावना दो कि माँ ठीक हो जाएगी। क्योंकि बार बार इनको दौड़ के मुंबई भी जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। एक बार तो ये जाकर 15 दिन रहकर आ गए, लेकिन बीच में फिर से 3 दिन के लिए गए थे एक बार। और वहाँ पर मेरे अभी पापा जी हैं, यानी ससुर साहब हैं, मेरे देवर हैं, देवरानी है, ये सब लोग हैं। मुझे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर एक ऑपरेशन का जो है डेट अभी नहीं दिए हैं। थोड़ा सा इम्यूनिटी ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो थोड़ा सा शरीर सद लेगा, क्योंकि जॉन्डिस का तो ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन और भी इनका कई ऑपरेशन होना है। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने कहा है कि जब तक चल रही हैं चल रही हैं। तो देखिए अब ईश्वर की क्या कृपा होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी सासू माँ के लिए दुआ, हालांकि मुझे अब ये पता है कि मुझे ऐसा लगता है अब किसी की दुआ भी काम नहीं करेगी, लेकिन ईश्वर के दरबार से कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो डियर, इस वीडियो को तो आज मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगले वीडियो से मैं बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों से मिलती आ रही थी उसी तरह मिलूँगी, और जो होना है वो तो तय है। तो हर दिन अगर मैं ये दुख भरा कहानी आपके सामने लेकर आऊँगी, अपना दुखड़ा ही सुनाऊँगी, तो आप लोग भी इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, कोई भी तकलीफ़ हो आदमी को धैर्य बनाकर रहना चाहिए। मैंने तो अपना धैर्य खो दिया था, लेकिन अपने धैर्य को एकत्रित करने में मुझे समय लगा है। तो आप लोग भी धैर्य मत खोइए। कोई परेशानी अगर आपके दिल में मन में हो मुझे कमेंट्स कर बताइए, अपना फीलिंग्स शेयर करिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो मैं क्या बोलूँ, पसंद आए या नहीं आए आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल खुश होकर मिलेंगे। और आप लोग मेरे साथ बने रहें, खुशी की बात है। और आप लोगों का ये जुड़ाव ही आज मुझे आप तक फिर से लाने के लिए मुझे मजबूर किया कि मैं आऊँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से बात करूँ। थैंक यू डियर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।